बच्चों, क्या हालचाल है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, या उसी के अंदर हम बोल सकते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यार एक नया चैप्टर है। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और कॉपी और पेन निकाल लो, शुरू करते हैं चैप्टर। देखो, अभी तक अपन रोटेशन वगैरह पढ़ रहे थे, तो रोटेशन तक अपन पढ़ रहे थे कि रिजिड बॉडी कुछ होती है। ठीक है, रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी भाई साहब हमने पढ़ा ऐसी बॉडी जिसका शेप साइज चेंज नहीं हो। हम बोल रहे थे कि ज्यादातर सॉलिड्स का शेप साइज चेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब हम चेंज करना भी चाहें तो चेंज नहीं होता, और ऐसे सॉलिड्स को हम रिजिड बॉडी बोल रहे थे, है ना। हम इनके ऊपर फोर्स लगाते थे, हम सॉलिड्स के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है इसको डीफॉर्मिंग फोर्स कह दो। आज के लेक्चर से नाम दे दो डीफॉर्मिंग फोर्स। तो हम डीफॉर्मिंग फोर्स वगैरह लगा रहे थे, मतलब उसको डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो डिफॉर्म नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि रिजिड बॉडी थी। तो ये सब आइडियल लाइफ में ये सब चीज अच्छी लगती है सुनने में। प्रैक्टिकली आपको पता है, आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे, तोड़ोगे, मोड़ोगे, खींचोगे, दबाओगे, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा। तो हमने जब रियलिटी की बात की, जब हमने प्रैक्टिकल लाइफ की बात की तो हमें पता चला ये सारी बातें सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब भी हम डी फॉर्मिंग फोर्स, मतलब फॉर्म को खराब करना, डी फॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी का शेप या साइज या दोनों ही चेंज हो जाता है। ठीक है, बॉडी का शेप साइज या दोनों ही चेंज हो जाता है। किसी भी बॉडी की बात करें अपन, किसी भी, मान लो अपने पास एक रॉड है लोहे का, स्टील की कोई, हमारे पास एक पत्ती है, प्लेट है स्टील की, अपने पास एक रबर बैंड है, कोई भी चीज, उसको खींचोगे, दबाओगे, तो उसका शेप साइज चेंज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बच्चों स्प्रिंग सोचो। स्प्रिंग के बारे में अपन ने बहुत पढ़ाई की है, किए कि नहीं। अपने पास मान लो स्प्रिंग है, तो क्या स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग का साइज चेंज नहीं होता? बिल्कुल होता है। स्प्रिंग भी एक सॉलिड है, पर स्प्रिंग को जब आप पुल करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो ये पुल करने वाली फोर्स को हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी का शेप या साइज या दोनों ही चेंज हो जाए। जैसे स्प्रिंग को अपन ने खींचा तो इलोंगेट हो गई, स्प्रिंग को अपने दबाया तो कंप्रेस हो गई। ठीक है, पर एक चीज हमने देखी है कि जब हम स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देते हैं तो वापस स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप पे चली जाती है, या जब स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं और छोड़ दें तो वापस स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर आ जाती है। ठीक है, मान लो मेरे पास स्टील की एक प्लेट है, पतली सी पत्ती, प्लेट नहीं, पतली सी पत्ती जैसी, बहुत कम थिकनेस की स्टील की एक पत्ती है प्लेट, उसको मैं ऐसे खींच के छोड़ू, ऐसे इधर तरफ खींच के छोड़ दू, तो वापस कहां पहुंच गई? अपनी मेन पोजिशन पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो हम देखते हैं कि सॉलिड्स का थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को अगर आप अपनी पोजीशन से खींचना चाहोगे, दबाना चाहोगे, तो उनके अंदर एक टेंडेंसी है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की। इस टेंडेंसी का नाम है इलास्टिसिटी। किस टेंडेंसी का? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, इट्स ओरिजिनल कंफिगरेशन व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। जब डीफॉर्मिंग फोर्स हटा दे, स्प्रिंग वैसे खींच के छोड़ दे, वापस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सॉलिड और द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, जैसे बोलना चाहो, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ओरिजिनल कंफिगरेशन व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, दैट टेंडेंसी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जरा इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आई कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे रिजिड बॉडी वो सब आइडियल लाइफ की कहानी है। रियल लाइफ में बॉडी का शेप चेंज होता है, फोर्स लगाओगे तो बॉडी का शेप चेंज होगा, हमेशा होगा, जरूरी नहीं।
कुछ बॉडी बहुत रिजिड होती है। चलो देखते हैं, तो इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी, देखो इलास्टिसिटी की दो डेफिनेशन लिखूंगा मैं, पहली देखना, द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय अ बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी की टेंडेंसी है कि अपने शेप और साइज को चेंज होने देना नहीं चाहेगी, उस टेंडेंसी को इलास्टिसिटी है ना। स्प्रिंग को आपने खींचा तो वो चाहती नहीं थी खींचना, आपने खींचा चाहती नहीं, जैसे ही छोड़ोगे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहती है। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप साइज बाय अ बॉडी, लिख दिया। ठीक, या दूसरी कहानी समझो, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, या बोल दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी, एटम्स ऑफ बॉडी, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, बॉडी जो बोलो, टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स। एनसीईआरटी की बात करो तो एनसीईआरटी इस डेफिनेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, किसको, कि किसी बॉडी की टेंडेंसी या उस बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी टू रीगेन, वापस गेन करना, इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, जैसा वो पहले था वैसा बनना चाहे, आफ्टर रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, जब डीफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे। जब तक फोर्स लग रही है तब तक तो चांस नहीं है, मजबूरी है, स्प्रिंग को पकड़ के खींचे हुए हैं, कैसे वापस जाए, जैसे ही रिमूवल होगा वापस अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगी। तो देखने में तो दोनों डेफिनेशन एक जैसी लग रही है, पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा जो आपको कंफ्यूज कर देगा। पहले ही लेक्चर में शुरुआत के 7-8 मिनट में एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन, स्टील और रबर विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर विच इज मोर इलास्टिक। एनसीईआरटी की बात पे ध्यान दे, एनसीईआरटी हमसे बोलती है द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इलास्टिसिटी। इस डेफिनेशन के हिसाब से बताओ स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि रबर? भाई रबर है, रबर की टेंडेंसी ज्यादा होती है अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आने की। स्टील को मान लो तुमने मोड़ दिया तो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं जाएगी, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो आंसर किस तरफ जा रहा, रबर की तरफ जा रहा। ये तो बोल रहा है रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। भाई ऐसे सोचने, दिमाग में सोचो भी तो इलास्टिक वर्ड से ही रबर याद आता है, अपनी टेंडेंसी अपन सोचते ही ऐसे, इलास्टिक मतलब खींच के छोड़ दिया, इलास्टिक रबर वापस अपनी पोजिशन पे चला गया, तो हम सोचते हैं रबर ही इलास्टिक है। पर पहली डेफिनेशन देखो, The tendency of a body to oppose any change in its shape size, अपनी शेप और साइज में कोई चेंज होने ही ना दे, oppose any change, भाई oppose कौन ज्यादा अच्छा करेगा, मेरे ख्याल से तो स्टील, रबर तो अपना शेप तुरंत चेंज कर लेता है, तो इसके हिसाब से आंसर होगा स्टील। सो विच इज एक्चुअली करेक्ट, सवाल फंस गया। सेकेंड वाली डेफिनेशन कह रहा है कि वापस अपनी पोजिशन पे आ जाए, तो हमने कहा वो रबर के अंदर प्रॉपर्टी ज्यादा है। पहला वाला बोल रहा है अपनी पोजीशन छोड़े ही ना, तो वो स्टील के अंदर जा रहा है। विच इज मोर इलास्टिक, द आंसर इज स्टील। सो आप बोलोगे सर इन दोनों में से क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है और क्या ये डेफिनेशन गलत है, बोलो। आंसर तो यही है, व्हाट इज द आंसर, द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज स्टील। विच इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक। विच इज मोर इलास्टिक, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, आंसर तो यही है। आप बोलोगे सर सेकंड वाली डेफिनेशन गलत है, नहीं बच्चों गलत नहीं है, ये भी सही है। एक लिमिट है जहां तक बॉडी को डिफॉर्म करना है, ये नहीं कितना भी डिफॉर्म, एक लिमिट है। जैसे मान लो स्टील की मेरे पास एक पत्ती है, उसको मैं थोड़ा सा खींच के छोड़ू तो ये रबर से भी तेज वापस आएगी, इसकी टेंडेंसी टू रीगेन इट्स पोजिशन रबर से ज्यादा होगी।
पर इसी स्टील की प्लेट को तुम ज्यादा खींच के दबा दोगे तब ये वापस नहीं आ पाएगी। यानी ये डेफिनेशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक सही है। ठीक है, मेरे पास एक स्टील की रॉड है मान लो, और एक रबर का कोई सामान है, रबर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, दोनों को डिफॉर्म करोगे जल्दी अपनी पोजीशन पे स्टील आएगा, बहुत स्पीड में आएगा। सो टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन भी किसके पास ज्यादा है? स्टील के पास, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। तो ये डेफिनेशन भी सही है, ये डेफिनेशन भी सही है, साथ में क्या लगा दें, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो बॉडी अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज कर देगी। क्लियर हो गया? तो इस डेफिनेशन में एक वर्ड यूज कर दिया हमने, एक फ्रेज और, अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से ज्यादा खींचोगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी परमानेंट, फिर वापस आने की टेंडेंसी नहीं होगी, या आएगी भी तो उतने अच्छे से नहीं। जैसे अपने पास मान लो स्प्रिंग ही है, अब स्प्रिंग को बहुत खींच दो, कोई स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग होती है, देखा होगा सबने, पतली सी स्प्रिंग है, वो हीटर में लगा होता है तार, जनरली घर में हीटर वाला तार, उसको लेके लंबा सा खींच दो, क्या वापस आएगा? नहीं, वो आपने उसको लिमिट से ज्यादा खींच दिया। तो दोनों डेफिनेशन सही है, खींच के वापस आएगी जब तक लिमिट तक खींचोगे, जो जल्दी वापस आए, जिसकी वापस आने की टेंडेंसी ज्यादा, दैट इज मोर इलास्टिक। तो यहां पे फिर से आंसर क्या बन जाएगा? स्टील। इन एनी फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, द आंसर विल बी स्टील। इन शॉर्ट आप एक लाइन लिख लो अभी के लिए, ऑल्दो समझ में नहीं आएगी, स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी देन रबर। तो कहोगे सर समझ में आ गया, ठीक है, इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी वो स्टील में ज्यादा है। एक कांस्टेंट भी आएगा ई, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का एक कांस्टेंट, एक ऐसी चीज, एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू बता देगी कौन ज्यादा इलास्टिक है। तो इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो स्टील के लिए रबर से कई गुना ज्यादा है, तो टेंशन खत्म, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का रबर से बहुत ज्यादा। तो ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया, व्हाट इज इलास्टिसिटी, अपनी पोजीशन को ना छोड़ना, और यदि छोड़ दिया तो अपनी पोजीशन को तुरंत वापस रीगेन करना डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद इलास्टिक लिमिट तक। ये नहीं कि बहुत ढेर सारी फोर्स लगा दी तब वापस कोई नहीं आएगा, ठीक है, इलास्टिसिटी क्लियर है। एनसीईआरटी में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को एक और कहानी के थ्रू समझाता है, ठीक है, वो भी हम जल्दी से आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी में एक तरीके से और बताता है हमको इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, और वो क्या है, वो हमसे बोलते हैं मान लीजिए कि ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी लिक्विड्स में भी होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है अपनी पोजीशन वापस रीगेन करने की। रीज़न क्या है, आइए रीज़न भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक फोर्स से बंधे होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इन्होंने क्या कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम ऐसे स्प्रिंग से दिखा देते हैं, ठीक है, पतली पतली स्प्रिंग, ये स्प्रिंग रिप्रेजेंट करेंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये एनसीईआरटी में हमको एक तरह से समझाया पूरी कहानी को, ठीक है, ये स्प्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब आप क्या करोगे, आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के मान लो इस मॉलिक्यूल को नीचे खींचो ऐसे, तो सारी स्प्रिंग ऐसे खींचेंगे, जैसे छोड़ोगे मॉलिक्यूल वापस। तो जब भी आप मॉलिक्यूल के ऊपर आप क्या लगाते हो, डीफॉर्मिंग फोर्स, है ना, बाहर से आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई, डीफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया, अच्छा स्प्रिंग पे फोर्स लगाओ तो स्प्रिंग आपको वापस खींचती है, स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगी, अपोजिट, ये तो पढ़ रखा है ना वर्क पर एनर्जी में कि ये मास मान लो स्प्रिंग से लटका है, मास नीचे खींचेगा mg, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर F is equals to minus kx, पढ़ा है कि नहीं, स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो अंदर से एक फोर्स लगती है विच इज रीस्टोरिंग फोर्स। कौन लगा रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, ये स्प्रिंग्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो असल में रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यही रीस्टोरिंग फोर्स है
जो इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। आपने खींचा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वापस उसी पोजीशन पे ले जाना चाहती है जहां पे ये था। क्यों? क्योंकि स्टेबल था अपनी पोजीशन पे, ये वापस उसी पोजीशन पे जाना चाहता है जहां पे ये स्टेबल था। ठीक है, आप मान लो इसको दबाओ, इधर से भी दबाओ, इधर से भी, जैसे ही छोड़ोगे अब ये क्या हुआ, अब आप मॉलिक्यूल्स को हद से ज्यादा क्लोज ला रहे हो, वो इतना क्लोज भी नहीं रहना चाहते। मॉलिक्यूल्स आपस में एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं। उससे पास लाओगे तो रिपल्शन करके पहुंच जाएंगे, उससे दूर जाओगे तो अट्रैक्शन लेके वापस आ जाएंगे। ठीक है, इसको मैं एक और ग्राफ बताता हूं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बट इंपॉर्टेंट है, ये जरा ग्राफ देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। यहां पर हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और यहां ले लेते हैं आर, आर इज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, आर इज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये ग्राफ आपने पहले भी कहीं देखा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में शायद देखा हो। ये व्हाट इज आर, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है और इस रीजन में पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव है। बच्चों, कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होता है? कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। स्टेबल होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, इक्विलिब्रियम आता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम देखो यहां पे है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है यहां पे, मिनिमम। तो बच्चों, ये जो आर की वैल्यू है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर जिसको हम आर नॉट बोलते हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। इस पे मॉलिक्यूल्स मोस्ट स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी देखो कैसी है, मिनिमम। अगर आप दबाओगे और क्लोज लाओगे, दबाओगे तो आर नॉट की वैल्यू कम होगी, तो और आप क्लोज जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी देखो बढ़ने लगेगी, आप और दबाओगे पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ रही। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहनी चाहती है, मिनिमम। मान लो आप खींचोगे तो आर की वैल्यू बढ़ाओगे, पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ेगी, फिर अनस्टेबल हो जाएगा। और कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं रहना चाहती, कैसा रहना चाहती है, स्टेबल। तो कहानी समझ में आ गई, ये ग्राफ समझ में आ गया। ठीक है, हम यहां पे रहना चाहते हैं, मॉलिक्यूल्स हमेशा इस जगह पे रहना चाहते हैं, इस जगह पे, आर नॉट, एक पर्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। उससे कम लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी तो रिपल्शन होगा, उससे दूर ले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी फिर बढ़ने लगेगी। दोनों ही तरफ पोटेंशियल एनर्जी इधर जा रहे, देखो आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, आर की वैल्यू घटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, इस तरफ भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, इधर भी। तो मिनिमम रहना चाहती है, तो आप दबाओगे तो ये चुक वापस आएगा, खींचोगे तो भी वापस आएगा। तो ये थ्योरी एनसीईआरटी में हमको समझाया है कि इलास्टिसिटी होती क्यों है ना। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इलास्टिसिटी इज देयर, तो ये रीजन है व्हाई इलास्टिसिटी का। ठीक है, अगर बहुत ही शॉर्ट में बताना इलास्टिसिटी तो आप बता दो किसकी वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। फिर सवाल आता है रीस्टोरिंग फोर्स भी क्यों आई, तो आप ये कहानी बता दो, है ना, कि सिस्टम स्टेबल रहना चाहता है और स्टेबल तब रहेगा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, वो एक पर्टिकुलर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे स्टेबल है, उससे क्लोज लाओगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, उससे दूर ले जाओगे तो भी, और दोनों तरफ अनस्टेबल हो जाएगा, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको अनस्टेबल करते हो, जैसे ही छोड़ते हो वापस स्टेबल। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई, ओके। तो यहां तक आपको कहानी समझ में आई कि इलास्टिसिटी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब बहुत ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो जो जैसे मैंने स्प्रिंग बनाई थी, मॉलिक्यूल्स को जोड़ा था, वो स्प्रिंग टूट जाएगी। बहुत खींच दोगे, बहुत दबा दोगे, ऐसे खींच दिया एकदम, तो जो स्प्रिंग बनी थी टूट गई, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई भैया, अब कहानी नहीं चलेगी, या इतनी खींच गई कि वापस ही नहीं जा सकती। ठीक है, इतना दूर ले आए अब कि वो क्लोज जाने की उसके पास क्षमता नहीं रही। ठीक है, समझ में आ गई इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी समझने के लिए दो फेमस टर्म हमें समझने हैं, एक है स्ट्रेस और एक है स्ट्रेन, स्ट्रेस और एक है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस से स्टार्ट करते हैं बच्चों, हेडिंग लगाएं स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या चीज है। ठीक है, स्ट्रेस क्या चीज है, तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो मैं खटाक से लिखा दूं, द
इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। डेफिनेशन तो एक मिनट में तैयार हो गई। द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्ट्रेस। अब जरा समझो इसका मतलब क्या है। मान लो यहां मेरे पास एक कोई रॉड है, ठीक है, और ये रॉड यहां से बंधा हुआ है, यहां से फिक्स्ड है, यहां से बांधा हुआ है। अब मैं यहां से उसको कोई फोर्स एफ लगाकर खींचूं, क्या ये रॉड खींचना चाहेगा? नहीं, इसके अंदर टेंडेंसी होगी अपनी पोजीशन पे रहने की। आपने दम लगा के रॉड को ऐसे खींचा, अब ये तो बंधा है। जैसे ही आप खींचोगे रॉड के अंदर क्या आ जाएगी, एक अपोजिट डायरेक्शन में, क्या आ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो, अपोजिट डायरेक्शन में एफ आर, एक री स्टोरिंग फोर्स। क्या रॉड मूव कर रहा है? नहीं, रॉड किस में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, इक्विलिब्रियम क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, वरना चल देता। इसका मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स मिली है, जो रीस्टोरिंग फोर्स मिली है वो डीफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है, ठीक है। और शॉर्ट में बोलूं, एफ आर इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो रीस्टोरिंग फोर्स उसके बराबर है। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है कि इसके ऊपर कितना स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस मतलब समझते हो ना, कि हम मम्मी हम बहुत स्ट्रेस में हैं, पढ़ाई के बहुत स्ट्रेस में हैं, हम प्यार मोहब्बत के बहुत स्ट्रेस में हैं, हम किसी चीज के बोलते हैं ना कि यार अरे यार कल एग्जाम है, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस मतलब एक उसके ऊपर एक दबाव, एक खिंचाव, दोनों बातें सही है, या तो दबाव या तो एक खिंचाव। जैसे यहां पर एक खिंचाव बन रहा है, इसमें आप इसको खींच रहे हो, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन एक खिंचाव महसूस कर रहा है, उस खिंचाव को हम स्ट्रेस बोलते हैं। सो स्ट्रेस की डेफिनेशन, सिंबल सिग्मा यूज करते हैं कई किताब में, ठीक है, सिंबल से कोई मतलब नहीं। सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कैसे लेना है वो भी देख लो, ये नहीं कि कोई भी एरिया ले, कर्व सरफेस एरिया ले लिया, एक कर्व सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया नहीं, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पे फोर्स लग रही, जिस पे खिंचाव आ रहा है, जो चीज खिंच रही है। और कौन सी फोर्स रखनी है? रीस्टोरिंग फोर्स। अब वो इत्तेफाक है कि इक्विलिब्रियम में रीस्टोरिंग फोर्स किससे इक्वल होती है? अप्लाइड फोर्स के, डिफॉर्मिंग फोर्स के, या एक्सटर्नल फोर्स के। ऐसा कब तक होगा? ऐसा 99% केस में हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं। डेफिनेशन याद रखना, इट इज नॉट एफ एक्सटर्नल अपॉन ए, रिमेंबर दिस वन थिंग। स्कूल में टीचर खटाक से एफ की जगह एमजी रख के ए करेगा, पर याद रखना तुम ये बात, इट इज एफ रीस्टोरिंग अपॉन एरिया। देखो हमेशा 99% केस है, 1% केस ऐसा होगा जहां पे रीस्टोरिंग फोर्स कुछ और होगी, एक्सटर्नल फोर्स कुछ और। डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, अभी तो आज सीखो बेसिक चीज़ें। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर की वेक्टर, स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे प्रेशर होता था फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? अब कहने को तो टेंसर बोल सकते हो, बेटर है कि अब टेंसर लिखूं, फिर टेंसर समझाऊं, ठीक है, मतलब वेक्टर नहीं है, अब इतना समझ लो, ठीक है, मतलब इसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नॉर्मली कर सकते हो। प्रेशर जैसी क्वांटिटी है, क्या ये प्रेशर ही है? नहीं, प्रेशर से डिफरेंट है, इट्स नॉट प्रेशर। एक जगह प्रेशर के बराबर भी हो जाएगा, बट इट्स नॉट प्रेशर। क्या समझे? अच्छा, यहां तक कहानी क्लियर हुई? मिटार दें, चलो स्ट्रेस समझ में आया हमें, फोर्स पर यूनिट एरिया, और कौन सी फोर्स लगनी है हमको? रीस्टोरिंग फोर्स, और जो किसके इक्वल हो जाएगी? एक्सटर्नल। तो हो सकता हूं मैं भी लेक्चर में बीच बीच में रीस्टोरिंग की जगह क्या रख दूं? सीधा एक्सटर्नल फोर्स। तो आप भी बुरा मत मानना उस बात का, ठीक है। अब देखो कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, फैमिली का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, वैसे नहीं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो जरा देखो ध्यान से, मान लो ये एक रॉड है, इसको मैं ऐसे खींचूं दोनों तरफ से एफ फोर से खींचा, तो ये वापस जाना चाहेगा अपनी पोजीशन में, ऐसे इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आएगी। खिंचाव को बच्चों हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। मान लो इसका एरिया ए है, तो हम बोलेंगे टेंसाइल
स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे दूसरा देखो, कुछ कुछ कुटू, मान लो मैं इसको दबा दूं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से इसको मैं कंप्रेस करूं, अभी मैंने खींचा है तो मैंने बोल दिया टेंसाइल स्ट्रेस। मान लो मैं कंप्रेस करूं दोनों तरफ से, अब क्या होगा, ये बाहर भागना चाहेगा, इसको कंप्रेशन फील हो रहा है तो ये बाहर जाना चाहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर लगेगी, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, दोनों ही स्ट्रेस देखो लेंथ के अलोंग है, मतलब या तो खींच रहे हैं या तो दबा रहे हैं, तो इन दोनों स्ट्रेस के लिए एक नाम दिया गया जो कि है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस सिंपल भाषा में। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितने तरह का हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव होगा। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बटे एरिया, एरिया कौन सा लेना है समझ में आ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा दूसरे तरह का स्ट्रेस देखो, एक तो ऐसा स्ट्रेस हो गया है तो क्लियर हो रहा था, दूसरा बड़ा प्यारा है बच्चों जिसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस बोल दो, ठीक है, या इसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये क्या चीज है, जब हमारी फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स टेंजेंशियल लगे बॉडी पे, जैसे मान लो ये सिलेंडर है और मान लो ये सिलेंडर यहां से फिक्स्ड है, यहां से बंधा हुआ है और फोर्स आप ऐसे लगाओ टेंजेंशियली, ऐसे यहां से बांध कैसे, तो सिलेंडर क्या होगा, ऐसा कुछ होगा सिलेंडर के साथ, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ऊपर से थोड़ा खिसक जाएगा, आप उसको ऐसे टेंजेंशियल ऐसे मारो तो नीचे से तो हमने बोला कि फिक्स्ड है तो ऊपर से क्या होगा, अपनी पोजीशन से थोड़ा खिसक जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऊपर वाली लेयर का, नीचे वाली लेयर एज इट इज फिक्स्ड रहेगी। इस तरह के स्ट्रेस को जो ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे कि इस चीज की लेयर को खिसकाए, जैसे एनसीईआरटी में एक बुक का एग्जाम्पल दिया है कि एक बुक बंद करके रख दो और बुक के ऊपर फोर्स लगाओ, ऐसे हाथ रख के बुक के ऊपर ऐसे हाथ रख के फोर्स लगाओ तो क्या होता है, बुक के कुछ पेजेस ऐसे आगे खिसक जाते हैं और नीचे वाली जो पूरी बुक का पूरा जो बेस है वो टेबल से बंधा हुआ है या चिपका हुआ है फ्रिक्शन की वजह से, ऊपर वाले पेज ऐसे आगे निकल जाते हैं। तो ये भी एक खिंचाव तो है, इस मटेरियल के अंदर एक खिंचाव आया ना, ये सारे पार्ट एक दूसरे से दूर हो रहे हैं कि नहीं, पहले सीधे थे अभी ऐसे हो गए, इनके मॉलिक्यूल्स की पोजिशन चेंज हो गई। तो इस तरह का जो स्ट्रेस है, इस तरह का जो खिंचाव है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाएं, लेयर्स का डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर ये लेयर एकदम सीधी सीधी रखी हुई थी अभी तक, अभी क्या हुआ कि कुछ लेयर टेढ़ी होने लगी, ठीक है, ये लेयर तो ऐसे है, इसकी वाली लेयर ऐसे ऐसे ऐसे, सब लेयर इधर भागने लगी, ऐसे स्ट्रेस को हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका, फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा लोगे, जिस पे फोर्स लग रही है, फोर्स इस वाले एरिया पे लग रही तो इस बार इस एरिया को कंसीडर करोगे, साइड वाले एरिया को, है ना, कर्व सरफेस एरिया पे जहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है। जैसे मान लो क्यूब के फॉर्म में इसी चीज को हम इमेजिन करें, ठीक है, मान लो ये क्यूब है, इस पे फोर्स लगा के मान लो आपने डिस्प्लेस किया, आपने मान लो ऐसे फोर्स लगाई और इसको आपने डिस्प्लेस किया और ये थोड़ा ऐसे डिस्प्लेस हो गया, नीचे से ये फिक्स्ड, ऊपर आई लेयर थोड़ी इधर भाग गई मान लो, ठीक है, तो ये फोर्स किस एरिया पे लग रही है, इस वाले एरिया पे। तो ये देखना कि फोर्स किस परपेंडिकुलर एरिया पे अप्लाई हो रही, उस एरिया को यहां पे यूज करेंगे, जैसे बुक का केस हमने बताया, ये ऊपर आई लेयर शिफ्ट हो जाएगी। तो दो तरह के स्ट्रेस देखिए, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक टेंजेंशियल या शेयरिंग, ठीक है, टेंजेंशियल या शेयरिंग, फोर्स भी कैसी होगी यहां पर, टेंजेंशियल। बच्चों एक और तरह का स्ट्रेस होता है जिसको डीसी वर्मा सर, डीसी पांडे सर ने बताया है, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है, एनसीईआरटी तो नॉर्मली ऐसी स्ट्रेस के फॉर्म में से दिखा रही है, डीसी पांडे सर इसको वॉल्यूम स्ट्रेस नाम देके बताते हैं। वो बोलते हैं मान लो कोई सॉलिड है किसी भी शेप का और वो किसी लिक्विड के अंदर है, ये कोई सॉलिड है एंड इट इज इनसाइड सम लिक्विड, तो बच्चों लिक्विड क्या करेगा इस पर,
लिक्विड इस पे प्रेशर लगाएगा भाई। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो प्रेशर बनाते हैं, उस तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी फ्लूइड प्रेशर लगाता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी। तो यहां से लिक्विड ने प्रेशर लगाया पी, यहां से पी, यहां से पी। वैसे तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, आपको पता है प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। फोर्स मान लो, फोर्स फोर्स, ये फोर्स किस वजह से लग रही है, ड्यू टू प्रेशर, है ना। आप लिक्विड के अंदर जब आप नीचे जाते हो पानी के अंदर तो आपको फील होता है कि नहीं, बॉडी क्रश हो रही है, किसी चीज को आप लिक्विड में बहुत अंदर डालो तो वो चीज दबती जाती है। क्यों दब रही है? बिकॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो ये भी तो एक स्ट्रेस हुआ, और ये हमेशा दबाएगा, फुला तो सकता नहीं है, हमेशा आपको दबाएगा, हमेशा आपको कम करेगा, आपके डायमेंशंस को रिड्यूस करेगा, हमेशा दबाएगा। देखो ये डायमेंशंस को बढ़ा भी सकता है, ये वाला रिड्यूस कर रहा है, ये वाला तो कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, और ये हमेशा डायमेंशन को कम करेगा। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, छोटे छोटे एरिया पे, यही तो प्रेशर होता है। तो यहां पे सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा? लिक्विड प्रेशर के। सो वॉल्यूम स्ट्रेस अगर देखोगे तो स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल भी हो सकता है, बट हर केस में नहीं, सिर्फ उस केस में। अच्छा यहां पे भी ना किताब में कई बार सिग्मा की जगह डेल्टा पी यूज करता है, पी नहीं डेल्टा पी, डेल्टा पी नहीं डेल्टा पी, डेल्टा पी क्यों? मान लो बच्चों बाहर प्रेशर पी हो, अंदर प्रेशर पी नॉट हो। अब बोलोगे अंदर प्रेशर कैसे? मान लो हमने अंदर एक प्लास्टिक की बॉल डाल दी है जिसके अंदर एयर फिल्ड है, ठीक है, वो होती है ना घर पे खेलते हम लोग प्लास्टिक की बॉल जिसके अंदर हवा भरी रहती है, तो उस हवा का भी कुछ प्रेशर होगा, गैसेस का प्रेशर होता है, बाहर भी कुछ प्रेशर होगा। तो ये दब किस प्रेशर की वजह से रहा है? ये दब रहा है पी माइनस पी नॉट प्रेशर की वजह से, जिसको हम डेल्टा पी बोल देंगे। पी की वजह से नहीं दब रहा, पी नॉट इसको बाहर ले जाना चाह रहा है ना, अंदर से गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर जाना चाह रहे हैं और बाहर से लिक्विड इसको अंदर दबा रहा। तो नेट जो इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है दबाने वाला, वो पी माइनस पी नॉट, तो हम डेल्टा पी भी यूज करते हैं। ये तीन तरह के स्ट्रेस मेरे पास हैं, तीनों की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस क्लियर हो गया, वेक्टर नहीं है, स्केलर नहीं है, टेंसर क्वांटिटी है, पर आप स्केलर जैसा ट्रीट कर सकते हो। क्लियर है थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? बहुत बढ़िया। अच्छा अब बच्चों स्ट्रेस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि किसी भी मटेरियल में आने वाला खिंचाव या दबाव, दोनों चीजें, खिंचाव या दबाव स्ट्रेस है। पानी के अंदर किसी चीज को डालोगे तो पानी उसको एकदम दबाना चाहेगा, तो वो भी एक स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वैल्यू प्रेशर के बराबर। बुक को ऊपर जैसे करोगे तो बुक थोड़ी सी शेयर हो जाएगी, ऐसे भागने लगेगी, उसको हम शेयरिंग स्ट्रेस। और रॉड में तो समझ में आता है, ये रॉड या वायर में खींचोगे तो टेंसाइल स्ट्रेस, दबाओगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो बच्चों टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को हटा के अब हम बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। दो टर्म्स हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब सोचो आपने वो जो वायर था, जो रॉड था, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या होगा? उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी। जब आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इनका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, नो यूनिट। कैसे यूनिट होगी यार इनकी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन एक इफेक्ट है जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। क्यों प्रोड्यूस हुआ? बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिंग। आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, दूर जाएंगे तो लेंथ में कुछ बदलाव आएगा। तो जो चेंज आया लेंथ में अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस रेशियो को हम स्ट्रेन बोलते हैं। सिंबल इसका कई किताब में ये यूज किया जाता है, ऐसे ई लिख देते हैं, बोलते हैं ये स्ट्रेन है, ठीक है। अब स्ट्रेन भी हमारे पास तीन तरह के होते हैं, जिस तरह से स्ट्रेस तीन तरह का, उस तरह से स्ट्रेन भी तीन तरह का। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बात कर लें, तीन तरह का स्ट्रेन बिकॉज ऑफ तीन तरह का स्ट्रेस। पहला बात कर लें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल
स्ट्रेन। तो बच्चों या तो खींचोगे या तो दबाओगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग कहानी होगी। जैसे मान लो ये हमारे पास रॉड है या वायर है, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, आपने इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से थोड़ा सा खिंच गया, ये थोड़ा सा खिंचाव आया इसमें, ठीक है। अब इसकी लेंथ थोड़ी सी खिंच गई और इसकी लेंथ अब कितनी बढ़ गई, डेल्टा एल बढ़ गई। तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बोलेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। डायमेंशन लेस होगा, देखो इसका कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, घट भी सकती थी है? दबाते तो घट जाती, तो भी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दूसरा हमारे पास कैसा हो जाएगा, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, आप समझते हैं। मान लो वही सिलेंडर मैं फिर से ले लूं, सिलेंडर का नीचे वाला बेस फिक्स्ड है, इधर से एक टेंजेंशियल फोर्स लगी, फोर्स लगने से ये थोड़ा खिसक गया, ऐसा हो गया। अब शियर स्ट्रेन इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, इसकी एक डेफिनेशन दी इन्होंने, ये तो समझ में आता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जरा पहले वॉल्यूम स्ट्रेन समझ लो, तब शियर स्ट्रेन समझते हैं, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेन भी समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है। वॉल्यूम स्ट्रेन कब मिलेगा, वही जब कोई अपना सॉलिड हो, कहाँ हो, लिक्विड के अंदर हो, तो लिक्विड हर तरफ से इस पर प्रेशर लगाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से इसका साइज थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, थोड़ा ये दब जाएगा। तो हमने मान लिया ये इतना दब गया, ठीक है। तो हमने बोला कि इसका वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो डेल्टा वी, और इसका ओरिजिनल वॉल्यूम वी, इसको हमने बोला वॉल्यूम स्ट्रेन। इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, तो जितना कम हुआ डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन देखो कैसे डिफाइन किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि ये लेयर जितनी खिसकी है डेल्टा एक्स, और ये जितनी लेंथ है एल, इसके रेशियो को हम शियर स्ट्रेन बोलेंगे, डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है। ये इन्होंने बनाया है, बाकी दोनों तो समझ में आ ही गए, बहुत क्लियर। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अपना स्ट्रेन है, कौन सा वॉल्यूम स्ट्रेन, मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज इन वॉल्यूम हमेशा नेगेटिव आता है। देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज, है ना। तो डेल्टा वी हमेशा नेगेटिव होगा, देखो वी फाइनल छोटा है, वी इनिशियल बड़ा। जैसे मान लो इनिशियल वॉल्यूम 10 है, फाइनल 8 है, तो चेंज -2 का होगा। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम यहां पे नेगेटिव लगा देते हैं, छोटी सी बात थी, याद रखना। वॉल्यूम स्ट्रेन में बेसिकली होता क्या है भाई, प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम हमेशा कम होगा। तो मान लो इनिशियल वॉल्यूम 10 है, फाइनली 8 हो गया, तो चेंज -2 का आएगा। पर स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम, ठीक है। हमारी एक आदत है, स्ट्रेन की वैल्यू हम कैसी रखना चाहते हैं, पॉजिटिव रखना चाहते हैं। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव, ताकि स्ट्रेन हमारा पॉजिटिव है। हाँ, तो शियर स्ट्रेन के लिए इन्होंने कहानी डिफाइन की कि लेयर जितनी खिसकी है डेल्टा एक्स, जितना उसमें शिफ्टिंग हुई है, डिवाइडेड बाई जिस लेंथ के अलोंग, जिस लेंथ के अलोंग शिफ्टिंग हुई है, जैसे इस लेंथ के अलोंग शिफ्टिंग हुई, उस लेंथ को रख दो, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में इसका नाम भी दे देता है, के के डैश अपॉन के एन, ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज और देखो, मान लो ये एंगल थीटा है, सपोज कर लो ये एंगल थीटा है, तो हम बोले ये कितना खिसका है, तो आप बोल सकते हो थीटा एंगल किसका है, कह सकते हो। जरा ध्यान से देखो, इन्होंने बोला डेल्टा एक्स बाई एल को हम स्ट्रेन बोलेंगे, शियर स्ट्रेन। और डेल्टा एक्स बाई एल क्या टैन थीटा के इक्वल आएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये बोल रहे हैं कि जनरली ऐसा तो होता है नहीं कि किलोमीटर किलोमीटर खिसक गया हो या मीटर मीटर, भाई मिलीमीटर खिसकेगा, ऐसा थोड़ी ज्यादा, ऐसे तुम अब किसी ड्रम को रख के ज्यादा ऐसे दबाओगे तो टेढ़ा होने के बजाय कटक से टूट जाएगा। वो देखा है वो माइकल जैक्सन वाला डांस, ऐसे करके बंदा ऐसे झुकता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरा ही लेट जाएगा, फिर तो वो टूट जाएगा। ऐसे बहुत ज्यादा किसी सिलेंडर को ऐसे दबाओगे कर बीच से क्रैक आ जाएगा। तो उनको पता है डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल होता है, डेल्टा एक्स मोस्ट ऑफ द केस में इट इज टेंडिंग टू जीरो, वेरी स्मॉल, नॉट एग्जैक्टली जीरो, वी कैन से डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, शिफ्टिंग बहुत ज्यादा थोड़ी ना होगी वरना टूट जाएगा। अगर बच्चों ये बहुत छोटा है तो टैन थीटा बहुत छोटा होगा,
टैन थीटा जब बहुत छोटा होता है तो बच्चों वो थीटा के बराबर होता है नियरली। साइन थीटा टैन थीटा दोनों की ये कहानी है कि अगर टैन थीटा या साइन थीटा बहुत छोटी वैल्यू ले, देखो यहां पे डेल्टा एक्स छोटा हो जाएगा, डेल्टा एक्स के छोटे होने से टैन थीटा छोटा, बहुत छोटा टैन थीटा करीब करीब थीटा के बराबर अज्यूम किया जाता है। लिमिट चैप्टर में मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि इफ थीटा इज स्मॉल, इफ ऐसे समझ लो इफ साइन थीटा इज स्मॉल देन वी कैन राइट साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। यही टैन थीटा की कहानी है, टैन थीटा इज स्मॉल देन इट इज नियरली इक्वल टू थीटा। सो व्हाट वी कैन से कि डेल्टा एक्स बाय एल किसके इक्वल है, थीटा। और शियर स्ट्रेन को सीधा सीधा हम डेल्टा एक्स बाय एल या उसको हम थीटा भी बोल सकते हैं। अब थीटा रेडियन में रखना, ये याद रखना, डिग्री में नहीं कि दो डिग्री रख दिया तीन डिग्री, रेडियन में। तो तीन तरह के स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसमें साथ में नेगेटिव, नेगेटिव कहानी भी क्लियर हो गई। और तीसरा शियर स्ट्रेन, ये जब कोई लेयर खिसकेगी तो जितनी खिसकी अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या हमने बोला यही किसके इक्वल है टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर हमने बोला डेल्टा एक्स बहुत छोटा तो टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा क्योंकि टैन थीटा छोटा हो गया और छोटा टैन थीटा थीटा के बराबर नेगेटिव में। तो ये तीन तरह के स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्यों आता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे। क्या स्ट्रेन परमानेंट होता है, एक दिमाग में सवाल आता है क्या स्ट्रेन परमानेंट है, नहीं, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, स्ट्रेन खत्म। पर ये चीज होगी इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट के बाद आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ, मान लो आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी, वही स्प्रिंग ज्यादा खींच दी, अब छोड़ो अब वापस नहीं जाएगी, तो स्ट्रेन कैसा हो गया, परमानेंट। तो परमानेंट स्ट्रेन भी हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे अपने शायद लेक्चर नंबर 3 में जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया, एक क्वांटिटी स्ट्रेस है एक क्वांटिटी स्ट्रेन है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तीन तरह के स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल शियर वॉल्यूम, तीन तरह के स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल शियर और वॉल्यूम। अब बच्चों इनको जोड़ता हुआ एक फैक्ट आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों चीज को जोड़ता हुआ एक टर्म। स्ट्रेस आप समझ गए जो भी चीज है वो फोर्स अपॉन एरिया जैसी, स्ट्रेन आप समझ गए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेयर अपॉन लेंथ, या कभी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जैसी चीज। और स्ट्रेस तो हर बार फोर्स बाई एरिया ही था। अब इनको जोड़ती हुई एक चीज है, जरा सोचो अपने दिमाग में कि मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊं, स्ट्रेस कैसे बढ़ेगा, आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना खींचोगे उतना खिंचाव आएगा, उतना दबाव, जितना दबाओगे उतना दबाव आएगा। अगर मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊं तो क्या लेंथ में चेंज भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम में चेंज भी ज्यादा होगा, मतलब जितना तुम तोड़ो मोड़ोगे उतना टूटे मूटेगा, जितनी तुम फोर्स लगाओगे उतनी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी। कहने का मतलब स्ट्रेस को बढ़ाने पे क्लियर सा आइडिया हो रहा है कि स्ट्रेन भी बढ़ेगा। स्ट्रेन यही थोड़ी ना कि खिंच जाए, दब भी सकता है, स्ट्रेन क्या चेंज इन लेंथ, तो जितना तुम फोर्स वगैरह लगाओगे उतना चेंज होगा। सो वी कैन से दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर यह चीज भी ट्रू होती है, ये तो बल्कि ये बोलूंगा इसके लिए एक वर्ड यूज करूंगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। अब भी ये लिखना, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल की एक लिमिट होती है, हमेशा प्रोपोर्शनल रहे जरूरी नहीं है, एक लिमिट ऐसा होता है कि जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। इसका बड़ा सीधा एग्जांपल है वो स्प्रिंग वाला जो अपन वर्क पर एनर्जी में पढ़ते आए हैं, है ना, याद है, जितनी फोर्स लगाओगे इधर उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के डेल्टा एक्स। जरा ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स क्या था, चेंज इन लेंथ, जितनी फोर्स लगा रहे थे उतनी रीस्टोरिंग फोर्स बन रही थी और उतना लेंथ चेंज हो रही थी, मतलब जितना स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना चेंज इन लेंथ बढ़ेगा, उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। बट कहां तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहां तक प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं इसका एक ग्राफ दिखाता हूं, इसको हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, 2015 एडवांस में सवाल भी आया इस पे जेई में।
तो ये कैसा कर्व है? ठीक है, तो मैंने अभी यहीं तक ये कर्व दिखाया है, यहां तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसके बाद ये कर्व थोड़ा अलग शेप ले लेता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इस रीजन में तो प्रोपोर्शनल नहीं है, ये रहा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इतनी देर तक हमें दिख रहा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फिर हमने कहा हमें एक कॉन्स्टेंट चाहिए, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, कॉन्स्टेंट आ गया, वेयर ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। E क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इस E को बच्चों हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हो। E की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सब्सटेंस उतना इलास्टिक होगा। ई प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, ई क्या है, ई इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ई इस पे डिपेंड नहीं करेगा आपने कितना फोर्स लगाया या एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जैसे अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे अपनी डेंसिटी है, इस टाइप की एक प्रॉपर्टी है, जैसे स्पेसिफिक हीट है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप निकालूं, इस ग्राफ की अगर मैं स्लोप निकालूं, तो इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, विच इज अगेन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोई आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बना के दे दे और बोले कि इसकी स्लोप क्या देगी, तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की स्लोप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई पूछे इसकी यूनिट या डायमेंशन क्या होगा, तो बच्चों स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन है नहीं, जो स्ट्रेस का है वही इलास्टिसिटी का, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन नहीं, तो इलास्टिसिटी का वही डायमेंशन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जो स्ट्रेस का है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जिस तरह से अपने पास तीन तरह के स्ट्रेस, तीन तरह के स्ट्रेन, उसी तरह से अपने पास तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन तरह के स्ट्रेस, तीन तरह के स्ट्रेन, उसी तरह से तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, कितने तरह के, तीन तरह के, नोट कर लिया, मिटा दे। कल मेरा एक फ्रेंड मिला, वो बोलता है कि ये तुम ये क्यों बोलते हो, नोट कर लिया मिटा दे। कुछ फ्रेंड्स भी देखते हैं लेक्चर हम लोग का, ठीक है, बड़े खुश होते हैं वो, तो वो ही बोल रहा है ये क्यों बोल रहे हो, लिख दिया मिटा दे। मैंने बोला आदत है, कोचिंग की जाती नहीं। ओके बच्चे, तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अच्छा, तो आपने देखा तीन तरह के स्ट्रेस, तीन तरह के स्ट्रेन। अब मैं बोल रहा हूं तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेस बराबर स्ट्रेन। वैसे इसकी वैल्यू मटीरियल पर डिपेंड करती है, ये फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ये मत कह देना एग्जाम में कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेस या स्ट्रेन, नहीं नहीं, कांस्टेंट है। जैसे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता, डेंसिटी तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलेंगे। सो कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। गामा इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल वाली कहानी याद है ना, जैसे हमारे पास यहां पे एक रॉड टाइप का कुछ था, इसकी लेंथ एल थी, फोर्स एफ लगाई, एरिया ए हुआ, याद आ रहा है, लेंथ थोड़ी बढ़ गई, खिंच गई, खिंच के लेंथ कितनी हो गई, डेल्टा एल बढ़ गई, तो हम बोलते थे गामा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
क्लियर है? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। दूसरे तरह का जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है बच्चों, वो हमारे पास है शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस इसको हम डिनोट करते हैं जी से, यंग्स मॉडुलस को गामा से, शियर मॉडुलस को जी से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? शियर स्ट्रेन, सॉरी शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। तो शियर की कहानी याद है, जो किसी को खिंचकाते हैं। स्ट्रेस क्या होगा फिर से? फोर्स पर एरिया। और शियर स्ट्रेन याद है क्या था? शियर स्ट्रेन याद दिलाऊं? टिंग 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 डिंग टिंग 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 डिंग। टेंशन नहीं लेने का, सब समझ में आएगा। टीडियम 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 ये था डेल्टा एक्स बाई एल, इसी को हमने बोला था शेयर स्ट्रेन, डेल्टा एक्स बाई एल। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा था डेल्टा एक्स बाई एल किसके इक्वल हो गया था? करीब करीब टैन थीटा के। टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमने कहा था थीटा बहुत छोटा है, तो टैन थीटा इज थीटा। सो वी कैन ऑल्सो राइट जी इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, और डेल्टा एक्स बाई एल क्या बन जाएगा? टैन थीटा, जो कि थीटा के बराबर। तो ऐसे भी लिखते हैं हम शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, एफ अपॉन ए थीटा, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंबल है इसका जी, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। क्लियर है? अच्छा, तीसरे तरह का बच्चों जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये एक तरीका, दो तरीका और तीसरा तरीका, उसको बच्चों हम बोलते हैं, अब वॉल्यूम वाली कहानी आएगी। ये शियर वाली कहानी हो गई, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई पूरी कहानी, ठीक है? यंग्स मॉडुलस में शियर में शियर वाली हो गई, जिसमें टेंजेंशियल फोर्स लग रही थी वगैरह वगैरह। यहाँ कौन सी फोर्स होती है? टेंजेंशियल फोर्स होती है। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल, इसमें कंप्रेस भी हो सकता है और इलोंगेट भी। और तीसरी कहानी जो आएगी उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंबल है इसका बी। ये कहाँ आएगा? ये लिक्विड वाले केस में, जब लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला, ठीक है? बल्क मॉडुलस वॉल्यूम वाला, यानी वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है? सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेस, मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यहां कोई सब्सटेंस है या लिक्विड के अंदर है, ठीक है? तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, और जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम स्ट्रेन, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, डेल्टा वी बाय वी। फिर याद हो तो मैंने इसमें कहा था नेगेटिव लगा लो, याद आ रहा है? ऐसे लिख लेता हूं वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी। फिर मैंने कहा था इसमें क्या लगा दो? एक माइनस का साइन लगा दो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम हमेशा कम होगा इस केस में और डेल्टा वी नेगेटिव होगा। और बच्चों फोर्स अपॉन एरिया लिक्विड के केस में क्या बन जाता है? फोर्स अपॉन एरिया लिक्विड के केस में प्रेशर। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू पी अपॉन डेल्टा वी, ऊपर वी साथ में माइनस। माइनस क्यों लग रहा है? क्लियर है ना? क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है हमेशा। मैंने ये भी बताया था कि पी की जगह डेल्टा पी भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से प्रेशर पी, अंदर से प्रेशर P नॉट, तो किसकी वजह से दब रहा? डर तो नहीं रहा? समझ में आ रहा? बाहर से प्रेशर P, अंदर से P नॉट, तो अंदर वाला एक्सपेंड कराना चाह रहा, बाहर वाला दबा रहा है, तो नेट प्रेशर कितना हुआ? P माइनस P नॉट, जिसकी वजह से ये दबेगा। सो हम यहां पे P की जगह डेल्टा P भी पुट करते हैं, माइनस डेल्टा P अपॉन डेल्टा V इंटू V। तो ये तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर को क्या? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है? कहीं यहां ऊपर लिख लो, जी इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बच्चों ये तीन तरह के स्ट्रेस, तीन तरह के स्ट्रेन
और तीन तरह के मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, सबका फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, अलग अलग तरह के स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दिखे। नेक्स्ट वीडियो में हम यंग्स मॉडल्स पूरा डिस्कस करेंगे और इनके ऊपर सारे न्यूमेरिकल करेंगे। इन पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते नहीं है, ना ही बल्क मॉडल्स पे ना ही शेयर मॉडल्स पे, जो 90% न्यूमेरिकल है वो यंग्स मॉडल्स पे बनते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि यंग्स मॉडल्स के सारे क्वेश्चन कवर कर ले और हो सके तो इनके भी एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखा दें। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन का पूरा कर्व आपको दिखाएंगे, जो कर्व अभी आधा दिखाया है उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर की बात भी करेंगे और उसी वीडियो में कोशिश कर लेंगे कि थर्मल इफेक्ट क्या होता है, हीट की वजह से थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इसकी बात करें। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।